So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 11th of class 11th physics, that is thermal properties of matter. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा simple सा ही chapter आ जाता है हमारा thermal properties of matter. Examination में भी इससे हमारा मुश्किल से एक दो question आता है. बाकी जो chapter है बड़ा easy है और साथ साथ interesting भी chapter हमारा आ जाता है. इस chapter के जितने भी हमारे topics आते हैं उनको अच्छे से line wise हम अच्छे से revise करेंगे, साथ साथ check out करेंगे किस type के question हमारे इस chapter से बनते हैं. और जो हमारे notes होंगे उनको हम साथ ही रखेंगे ताकि हम चेक करते रहे कौन सा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा स्किप भी ना हो और एक स्टोरी की तरह हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाए. देखो ये चैप्टर आता है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इसका मतलब होता है कि हम मैटर की वो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले जो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, मीन्स जो हीट टेम्परेचर चेंज करने से मैटर में जो चेंजेस आते हैं उन सबको हम चेकआउट करने वाले हैं. देखो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर हीट का मतलब क्या होता है. देखो पहली डेफिनेशन हमारी यही आती है हीट. हीट का मतलब क्या होता है, ये एक एनर्जी होती है, मीन्स हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस sensation of hotness and coldness, means हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी में अगर इस बॉडी में हमारी हीट होगी तो अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें ये हॉट लगेगी. और इस बॉडी में अगर हमारी हीट नहीं होगी तो ये हमें कैसी लगेगी, हमें कोल्ड लगेगी. तो सिंपल हीट हमारी एक एनर्जी है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है कि कौन सी बॉडी हॉट होगी और कौन सी बॉडी हमारी क्या होगी, कोल्ड होगी. सिंपल से मतलब आ जाता है. अब देखो हीट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो थ्योरीज आती है. दोनों थ्योरीज अपनी अपनी मतलब क्या एक डेफिनेशन देती है. जिसे फर्स्ट थ्योरी आती है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हीट इज इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूड इज कॉल्ड कैलोरिक. मीन्स हीट क्या है, एक वेटलेस ऑर्डरलेस और मतलब कि वेटलेस हमारा इनविजिबल एक फ्लूड है जिसको हम बोलते हैं कैलोरिक. ये आता है हमारा फर्स्ट थ्योरी, मतलब कि फर्स्ट थ्योरी आती है हीट की. सेकंड जो थ्योरी आती है वो होती है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना भी जो भी हमारा मैटर होता है, सारे मैटर हमारे मोलिक्यूल से, मतलब इसके अकॉर्डिंग सारे मैटर हमारे मोलिक्यूल से मिलकर बने हैं. और वो जो मोलिक्यूल्स हैं जब वो मोशन करते हैं वहाँ पर जो सी एनर्जी जनरेट होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं अपना हीट. तो ये दो थ्योरीज आ जाती है हमारी रिलेटेड टू हीट. नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ हीट. देखो हीट हमारी एक एनर्जी है, एनर्जी कि हमें पता है किसी भी टाइप की एनर्जी यूनिट होती है हमारी जूल. लेकिन हीट के लिए हम एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं कैलोरिक, जिसको डिनोट करते हैं हम सी से या फिर हम CAL से भी डिनोट कर देते हैं. ये होती है हमारी कैलोरी. और कैलोरिक और जूल का जो रिलेशन है वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. मतलब कि ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें कन्वर्जन के लिए. और बाकी ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो कैलोरी है उसको जूल में मतलब क्या रिलेशन होता है. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज 1 कैलोरी, मीन्स डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन 1 कैलोरी. तो वो हम लिखेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री रेज करना है तो वहां पर हमें कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, वही होगी हमारी क्या है, 1 कैलोरी. तो ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन आ जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ये भी एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट. मींस देखो कोई भी काम करने के लिए, मींस कहीं पर हीट हमें बढ़ानी है या फिर किसी को हीट देनी है तो वहां पर क्या है, हमें कुछ मतलब कि हीट बढ़ानी होगी तो कुछ काम करना होगा. तो हमें कितना काम करना पड़ेगा कि अगर हमारी क्या वन यूनिट ऑफ हीट वहां पर प्रोड्यूस हो जाए, तो उसी मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क को हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसको हम डिनोट करते हैं जे से. और जे हमारा किसके इक्वल होता है, जे होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू के इक्वल होता है. डब्ल्यू मतलब हमारा वर्क डन और क्यू मतलब हमारी हीट. ये हमारा सिंपल सा आ जाता है. जो टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट आता है टेम्परेचर. देखो हीट हो गया हमारा, हीट क्या एक सेंसेशन है, मतलब कि एक एनर्जी है. और टेम्परेचर बताता है कि जो हमारी बॉडी में हीट है, मीन जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है उसकी डिग्री बताता है, मतलब कितना हॉट है और हमारा कितना कोल्ड है. मेनली 2 चीजें होती है हीट और टेम्परेचर. काफी बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हीट और टेम्परेचर मतलब कि सेम ही होते हैं या फिर इनकी डेफिनेशन अलग अलग कैसे होती है. तो हीट एक एनर्जी है और टेम्परेचर क्या है, जो वो एनर्जी है उसकी डिग्री कितनी है, मींस हॉटनेस कितनी है और कोल्डनेस कितनी होती है. अब यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हीट एक एनर्जी है और टेम्परेचर क्या है, और डिग्री है हॉटनेस की और कोल्डनेस की. सेकंड पॉइंट आ जाता है हीट के लिए, इट रिप्रेजेंट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. जो हीट है वो जो मॉलिक्यूल मतलब जो मैटर है उसके जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को शो करती है, जो उसकी वैल्यू होती है. और टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को शो करता है. और लास्ट पॉइंट आ जाता है जो हीट है वो हम कैलोरी जूल इन सब में मेजर करते हैं, और जो टेम्परेचर है हमारा केल्विन सेल्सियस और फारेनहाइट इन सब में मेजर करते हैं. तो ये हमारे मेन डिफरेंस आ जाते हैं बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा थर्मोमीट्री. देखो थर्मोमीट्री का सिंपल मतलब होता है, ये हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम जो थर्मोमीटर्स हैं और जो टेम्परेचर है उन सबसे रिलेटेड पढ़ते हैं. मीन्स
डिग्री ऑफ हॉटनेस, तो वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, उनको मेजर करने की जो डिवाइसेज है उनको कैसे डील करना है, वो सब आता है हमारा थर्मोमीटर में। देखो मेनली आते हैं थर्मोमीट्रिक स्केल, मतलब कि हमें मतलब कि जो टेम्परेचर मेजर करना है वो मेजर करने के लिए जो डिवाइसेज होते हैं उनको बोलते हैं हम थर्मामीटर। मेनली हमारे पास यहाँ पर चार थर्मामीटर आते हैं, वैसे जो रियल लाइफ में हम नॉर्मली देखते हैं वो हम मेनली थ्री यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो दो ही यूज़ करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बाकी जो केल्विन होता है उसको भी, मतलब कि जो लैब्स होते हैं जहाँ पर साइंटिफिक काम होता है वहाँ पर जो केल्विन है वो भी यूज़ होता है। हमारे पास यहां पर चार ही है। देखो सबसे पहले आता है डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है और क्या चीजें याद रखनी है, जो भी स्केल है उसका नाम और उसकी जो लिमिट्स है, मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो कहां तक और उसके कितने डिवीजन आते हैं, ये पॉइंट्स आपको मतलब अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है डिग्री सेल्सियस स्केल, उसमें जो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हैं और इसका डिवीजन होता है 100 पार्ट्स में होता है। सेकंड आता है फ़ारेनहाइट स्केल, ये कहाँ से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये मेजर करता है और उसमें पार्ट्स होते हैं हमारे 180 मीन्स यहाँ से लेके यहाँ से लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी जो है उनके बीच में हमारे टोटल 180 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल हमने मतलब नॉर्मली देखा भी नहीं होगा, यूज़ भी नहीं किया होगा, बस एक नॉर्मल सा स्केल आता है जो कि हमारा 0 to 80 डिग्री तक हमारा क्या है मेजर करता है, मीन्स 0 degree rumor to 80 डिग्री र्यूमर, इसमें जो डिवीजन होंगे वो होंगे हमारे 80। लास्ट आता है हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल हमारा कहाँ से कहाँ मेजर करता है, 273 to 373 तक हमारा मेजर करता है और उसमें जो डिवीजन होते हैं वो हमारे 100 डिवीजन होते हैं। अब देखो सबकी लोअर लिमिट अपर लिमिट और कितने डिवीजन है वो आपको याद होने चाहिए, उससे आप मतलब कि एक स्केल की जो वैल्यू है दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो उसमें जो स्केल है उसका जो टेम्परेचर है वो उसमें से माइनस करेंगे उसकी लोअर लिमिट अपॉन रखेंगे हम अपना जितने भी उसके डिवीजन है वो करेंगे। जैसे सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहें, वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं लेकिन ये फॉर्मूले में जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ये हमारे होते हैं। जैसे हमें सेल्सियस को मींस डिग्री सेल्सियस को क्या है केल्विन में चेंज करना है बेसिक वाले से, तो हम क्या करेंगे जो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें से सेल्सियस वाले की लोअर लिमिट माइनस करेंगे जो कि होती है 0 और नीचे रख देंगे अपना जो टोटल डिवीजन होते हैं लाइक हमारा क्या होते हैं 100। अब फिर केल्विन की बात करेंगे, केल्विन में मींस जो टेम्परेचर है हमारा केल्विन में वो रखेंगे माइनस रखेंगे केल्विन में जो लोअर लिमिट होती है मतलब कि 273 और डिवीजन कर देंगे मींस जो भी हमारा क्या है उसमें जितने भी डिवीजन होते हैं 100। अब इसको सिंपली हम सोल्व कर लेंगे, मान लो हमें टीसी पता था और टीके निकालना है या फिर हमें टीसी निकालना है टीके हमें पता था, मींस केल्विन में पता था सेल्सियस में निकालना है, सेल्सियस में पता था केल्विन में, तो इस वाले रिलेशन को सिंपली हम यूज करके हर की टाइप को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, हर किसी को मींस चारों में आपस में हम कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन एट विच द गैस इज सपोज टू हैव 0 वॉल्यूम, मींस यहां पर ये क्या होता है कि मतलब ये ऐसा मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, ये एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हम सपोज कर दे कि जो गैस है उसका 0 वॉल्यूम होगा और ये टेम्परेचर होता है -273 केल्विन, वैसे हमारा सिंपली थ्योरेटिकली होता है, इसको हम बोलते हैं अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारा अदर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। देखो रियल लाइफ में और नॉर्मली तो हम ये यूज करते हैं अपना सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट और मेनली ये यूज करते हैं, बाकी कुछ थर्मामीटर हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब कि स्टडी करने के लिए या फिर कुछ और मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आता है प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से होता है, बहुत रेयर हमारे ये यूज़ होते हैं। इसमें जो मेन बात होती है मतलब कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इनटू टी, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाकी इसमें जो आर होता है, आर का मतलब कि रेजिस्टेंस एट एक्स डिग्री सेल्सियस, आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और टी का मतलब है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, इन सब की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास क्या है उसकी टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से आ जाता है लिक्विड थर्मामीटर, दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, फॉर्मूला हम अपना ये यूज करेंगे। जैसे टी इज इक्वल टू एल टी माइनस का एल नॉट अपॉन एल हंड्रेड माइनस एल नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ये हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी जो मतलब कि एल टी का मीनिंग होता है कि लेंथ ऑफ मरकरी, मीन्स इसमें मरकरी यूज करते हैं, लेंथ ऑफ मरकरी एट टी डिग्री टेम्परेचर और जीरो का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ कितनी है मरकरी की, वो ये सब वैल्यू रखने के बाद हम अपनी टी की वैल्यू निकाल लेंगे और वो हमें क्या टेम्परेचर की वैल्यू देगा। तो ये कुछ अदर टाइप के थर्मामीटर हमारे यहाँ पर सिलेबस में आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स यहाँ से ही मेनली हमारा क्वेश्चन बनता है जो कि आता है थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है जब भी किसी बॉडी को आप हीट करोगे तो वो क्या थोड़ा एक्सपेंड होती है, तो किसी बॉडी को हीट देने से वो एक्सपेंड हो जाती है, तो उसी जो फिनोमेना है वही जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अपना थर्मल एक्सपेंशन, मीन्स द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड, ये सिंपल आ गया हमारा थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो मेनली हमारे थ्री टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन जब हमारा लेंथ में चेंज आए, सेकेंड आता है हमारा एरियल एक्सपेंशन जब हमारा क्या एरिया में चेंज है, और लास्टली आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक मींस हमारा क्या
हम उसको बोलते हैं सुपर क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा वॉल्यूम में, हमारा पूरी जो बॉडी है उसका वॉल्यूम में चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं अपना क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखते हैं लाइन वाइज को हमारा कौन से में किस तरीके से काम होता है। देखो सबसे पहले आता है लीनियर एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रोड ऑन हीटिंग, मींस हीट करने पे जो मेटल रोड है, मींस हमारे पास मेटल रोड थी उसकी एल लेंथ थी, हमने उसको हीट किया तो उसकी क्या है लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, मींस कुछ हमारी क्या अब एल डैश हमारी हो गई, पहले एल थी अब हमारी एल डैश हो गई। तो कितनी बढ़ गई, हम मान लेते हैं एल डैश माइनस का एल, जो कि आएगा हमारा डेल्टा एल, ये हमारी क्या है लेंथ बढ़ गई। अब हमें यहाँ पर निकालना है, हमें मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन का जो कॉन्स्टेंट है की वैल्यू निकालनी है। जैसे जो थर्मल एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अब देखो जो ये इंक्रीज इन लेंथ आया, सबसे पहले यहां पर देखो जो ये डेल्टा एल आया ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। एक तो जो डेल्टा एल है वो हमारा डिपेंड करेगा कि जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, एक तो हमारा कैपिटल एल पर मतलब कि जो ओरिजिनल लेंथ है उस चीज पर डिपेंड करेगा, साथ साथ हमारा जो डेल्टा एल है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, मीन्स जो हमारा टेम्परेचर है, मीन्स जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है वो हमारा कितना हुआ है। तो उस चीज पर जितना भी हमारा लेंथ में चेंज आना है वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं अल्फा की। अल्फा की जो डेफिनेशन बनेगी, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मींस अगर इन दोनों चीजों को हम डेल्टा एल को साथ में लिखे कि ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा टी, और यहां पर डेल्टा एल अल्फा हटा के मतलब कि सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल देंगे, तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जो हम लगाते हैं अल्फा, ये हो जाएगा एल और टी। ये हमारी यहां से अल्फा की डेफिनेशन बनेगी, जो कि आएगी अल्फा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टी। तो अल्फा की डेफिनेशन क्या बन गई, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारी क्या है लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन बन गई। तो सिंपल सा हमारा टॉपिक आता है लीनियर एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, जब हमारी हीट करने से लेंथ में चेंज आएगा तो वहां पर होगा हमारा लीनियर एक्सपेंशन, और जो वहां पर थर्मल एक्सपेंशन आएगा वो सॉरी लीनियर एक्सपेंशन, उसकी जो वैल्यू होगी वो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरफिशियल या फिर बोल सकते हैं एरियल एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, हमारा एरिया एक्सपेंड होगा। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी सिंपल वही है, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये सिंपल हम यूज करेंगे। बाकी हम इसको डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डेल्टा एस अपॉन एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर भी टेम्परेचर को हम डेल्टा टी ले सकते हैं। देखो बीटा मतलब हमारा एरियल एक्सपेंशन, वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, मीन्स चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। यह आता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लास्टली आ जाता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा वॉल्यूम में चेंज होता है। अगर हमारी कोई बॉडी है उसको हीट करने से उसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो गया तो वहां पर हम यूज करेंगे अपना क्यूबिकल एक्सपेंशन। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिंपली इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये किसके लिए, क्यूबिकल एक्सपेंशन, जब हमारा क्या वॉल्यूम में चेंज होगा। तो ये तीन तरीके का हमारे थर्मल एक्सपेंशन आ जाते हैं। पहला आता है हमारा लेंथ के लिए लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा हमारा आता है एरिया के लिए एरियल एक्सपेंशन, थर्ड आ जाता है हमारा वॉल्यूम के लिए जो कि होता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये सिंपल से हमारे इस तरीके से यूज होते हैं। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम मीन्स ये वॉल्यूम वाला है, इसके लिए हमारा एक पॉइंट आता है, द वैल्यू ऑफ गामा फर्स्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड देन बिकम कॉन्स्टेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। मीन्स जैसे आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, मीन्स जो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो जैसे जैसे हीट बढ़ रही है, पहले तो हीट के अकॉर्डिंग हमारा जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद अगर हम हीट बढ़ाए भी तो हमारा जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ेगा, मीन्स वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स बॉडी जितनी एक्सपेंड होनी थी वो अब हो चुकी है। तो हमारा छोटा सा टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, जो कि आता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। मीन्स ये जो हमारा गामा था ये तो था हमारा सॉलिड्स के लिए, मीन्स सॉलिड में हमारा वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। अगर हम इसको आइडियल गैस के लिए यूज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, वहां पर हम अपनी यूज करेंगे इक्वेशन जो कि होती है PV is equal to nRT, means ये वाली इक्वेशन को यूज करके वो जो वैल्यू है वो निकालेंगे, जो कि आती है हमारी गामा is equal to 1 upon T। वो किस तरीके से आती है, means हम अपना कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, जैसे ये P delta V is equal to nR delta T, ये हम लिख लेते हैं। एक होती है हमारी ये ओरिजिनल वाली होती है फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड वाली मतलब मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां से जो हमारी गामा की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 upon T, means अगर हम लिखें, हमें क्या मतलब कि वैल्यू पूछे कि क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस की वैल्यू क्या होगी, वो हमारी होगी 1 अपॉन टी। टी का मतलब है हमारा जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वो। ये सिंपल सा हमारा क्या फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, मींस जो हमारा ये थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, हमारा एरियल एक्सपेंशन और हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन, इन तीनों में अगर हम रिलेशन लिखे तो वो हमारा किसके को लाएगा, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ये हमारी वैल्यू आएगी। बाकी ये किस तरीके से आती है, इसका एक डेरिवेशन भी होता है, वो आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी देख
देख सकते हैं। बाकी ये हमारा जो रिलेशन है ये हमारे एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये सिंपल सा हमारा रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स अब हमने देख तो लिया कि ये लेंथ बढ़ने से हमारी इतना चेंज आता है, एरिया में इतना चेंज आता है, वॉल्यूम में इतना चेंज आता है। अब ये रियल लाइफ में हम कहां पर यूज करते हैं, मीन्स रियल लाइफ में हमें कहां देखने को मिलता है। देखो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है कि अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। मीन्स आपने देखा होगा जो रेल के ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में हल्का सा बहुत थोड़ा सा गैप, जो मेनली समर्स में वैसे तो हो टाइम के लिए मतलब थोड़ा सा एक गैप रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है, जब उसके ऊपर से जो हमारी ट्रेन है जब मतलब उसके ऊपर से जाएगी और गर्मियों में समर टाइम में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारा हल्का सा गैप है, जैसे यहाँ पर ये एक हमारी मतलब की ट्रैक हो गया उसके बीच में एक हल्का सा गैप हमने रख दिया, तो ये जब हमारी इसके ऊपर से ट्रेन जाएगी इसका जो टेम्परेचर है मीन जब मोशन होगा फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ साथ समर है उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ने से हमारी जो है इनकी लेंथ बढ़ जाएगी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तो ये जो बीच का गैप है वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। और अगर हम ऐसा ना करें मीन्स जो हमारी ट्रेन के ट्रैक्स हैं उनको मतलब क्या है बिल्कुल लाइन से लाइन भी लगा के रखें तो क्या होगा, टेम्परेचर तो भाई फिर भी बढ़ना है क्योंकि ट्रेन ऊपर से जाएगी और समर की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा लेंथ, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा ये थोड़ा मतलब यहां पर डिस्टोर्टेड हो जाएगा। मींस जो ट्रैक्स हैं वो क्या है एक दूसरे से मतलब टकरा के मतलब कि अपनी जो है वो ओरिजिनल शेप को खो देंगे और शेप को खोने से मतलब कि वहां पर ट्रेन का क्या एक्सीडेंट भी हो सकता है। मींस जहां पर जो ट्रेन इनके ऊपर से जाएगी तो जब ये सही नहीं है तो वहां पर जाने का रास्ता सही नहीं होगा तो वो ट्रेन भी क्या सही तरीके से नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वहां पर मतलब रियल लाइफ में हम थर्मल एक्सपेंशन को वहां पर देखते हैं और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। सेकंड आता है स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द ग्रीडर्स यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस। मीन्स जो आपने देखा होगा ब्रिजेस को सपोर्ट करने के लिए जो मतलब कि वो हमारे ग्रीडर्स लगाए जाते हैं उनमें भी क्या है हम हल्का सा गैप रखते हैं, जैसे डायग्राम में भी हल्का सा गैप रखा हुआ है, तो यहाँ ये किस लिए होता है, ये भी हमारा थर्मल एक्सपेंशन की मतलब कि जो एक्सपेंशन है उसकी उसके लिए हम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मतलब कि वहाँ पर से जो भी व्हीकल्स हैं वो जाएंगे और समर में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो गैप है वो वहाँ पर कवर हो जाए, बाद में ऐसे नहीं कि एक के ऊपर हमारा एक चढ़ा हुआ है। लास्ट आता है क्लॉक पेंडुलम आर मेड अप ऑफ इनवार। मीन्स इनवार क्या है, हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, मीन्स कितना भी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाए घट जाए ये हमारी क्या मतलब कि जो एक परफेक्ट वैल्यू है उसको ही हमारा क्या शो करता है। तो ये कुछ आ जाती है हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। देखो लिक्विड में हमारा क्या होता है, लिक्विड में मेनली हमारा वॉल्यूम में एक्सपेंड होता है, मींस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। अब यहां पर जो वैल्यू निकाल लेंगे वो हम दो वैल्यू निकालते हैं, एक तो निकालते हैं अपरेंट वैल्यू, अपरेंट वैल्यू का मतलब जो हमें शो हो रही है जो हमने प्रैक्टिकल से निकाली है, और एक निकालते हैं अपना रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मतलब जो उसकी रियली में जो भी वो चेंज करेगा वो होती है। तो प्रैक्टिकल मतलब जो अपरेंट वैल्यू होती है वो होती है गामा ए इज इक्वल टू अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। सिंपल हमारा यही फॉर्मूला है, बस हमारा क्या है जहाँ पर हम अपरेंट यूज करेंगे वहाँ पर हमने अपरेंट वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे, जहाँ पर हम रियल यूज करेंगे वहाँ पर सिंपल हम जो चेंज हुआ है वो रियल वाला यूज करेंगे। जैसे गामा आर इज इक्वल टू रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, इन दोनों फॉर्मूलों का क्या एक रिलेशन यूज करेंगे जो कि आता है वो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें जो गामा आर है वो हमारा रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम का हमारा थर्मल एक्सपेंशन है और जो गामा ए है वो अपरेंट इंक्रीज वाला है और जो गामा जी है वो हमारा क्या आता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास ऑफ कंटेनर, मीन जो हमारा कंटेनर है उसका जो ग्लास है उसका क्या है एक्सपेंशन आ जाता है। मान लो हमारा हम किसी भी कंटेनर में जो है मतलब हीट करेंगे, अब थोड़ा बहुत तो एक्सपेंड जो हमारा कंटेनर है वो भी करेगा, तो उसको भी हम यहां पर कंसिडर करके चलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या अपनी जो गामा की जो रियल वैल्यू है वो गामा ए प्लस का गामा जी प्लस करके निकालते हैं, तो ये सिंपल सा हमारा मतलब आ जाता है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी पे क्या चेंज होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। ये तो हमने जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर था वहां पर भी हमने चेकआउट किया था कि किस तरीके से हमारी चेंज होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है एनालॉगस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मीन्स इसमें क्या आता है यहाँ पर आता है जैसे हमारा कोई वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मीन्स हमारे इसके अंदर वाटर है अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो अगर जब हम इसको हीट करने जाएंगे तो पहले इसका क्या होगा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने से इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक सॉलिड फॉर्म में था, अब सॉलिड में मतलब हमारे वहाँ पर क्या बॉन्ड्स बने होंगे, जैसे जैसे हम हीट देंगे इनके बीच की जो मतलब की बॉन्डिंग है वो टूटेगी, तो बॉन्डिंग टूटेंगी तो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है थोड़ी पास पास ऐसे आ जाएंगे। अब पास पास आएंगे तो वहां पर मॉलिक्यूल पास पास आना मतलब वॉल्यूम क्या हो गया हमारा कम हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर को हीट करते हैं तो वहां पर हमारा वॉल्यूम कम होता है और ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होने से हमारी डेंसिटी बढ़ जाती है। ये हमारा केस चलता रहता है 0 से 3, 1, 2 डिग्री। जब हमारा केस आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मीन जब जो टेम्परेचर है वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, अब वहां पर क्या होगा 4 डिग्री पर
अब देखो ये इतने पास आ चुके होंगे, अब पास आने से जैसे जैसे हम वहाँ पर हीट इसको देते रहेंगे अब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से क्या है दूर दूर भागना चाहेंगे, मतलब कि जो पूरे कंटेनर में इधर उधर घूमेंगे और मतलब कि वो थोड़ा एक्सपेंड करना अब मतलब कि वो एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अब वहाँ पर वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो हमारी डेंसिटी है वो हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हमारा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कम हो रहा था और डेंसिटी बढ़ रही थी, और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आती वॉल्यूम बढ़ने लग गया और डेंसिटी क्या होगी कम होने लगी। तो इसी को बोलते हैं अपना एनोमलोगस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मींस वाटर क्या है हमारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम बढ़ता भी है और घटता भी है और डेंसिटी में भी हमारा क्या है अल्टरनेटिव चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है वाटर में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे चेंजेस आते हैं, और जो हमारी मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की वो हमारी क्या होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ये सिंपल सा मतलब आ जाता है हमारा एनोमलोगस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा बड़ा सिंपल सा आता है, ये तो हमें मतलब जो डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसी से हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे आता है स्पेसिफिक हीट, डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। देखो इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि क्या है यूनिट मास का, मतलब कि उसका मास 1 है, अगर उसका हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहें तो हमें वहां पर कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं अपना स्पेसिफिक हीट, डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, जिसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू मतलब कि जो हमारा हीट है वो, और एम मतलब उसका मास, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है। ये आ गई हमारी सिंपल सी स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हम अपना यूनिट मास की जगह हम क्या ले लेते हैं, हम अपना 1 मोल ले लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। एक सब्सटेंस है जो कि जिसकी क्वांटिटी कितनी है वो है हमारी 1 मोल। 1 मोल का हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। जो उसका फॉर्मूला आता है वो सिंपल हमारा यही आता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, बस एम की जगह हम क्या है नंबर ऑफ मोल्स हम अपना यूज करते हैं, मतलब एन हम सिंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ये भी बड़ा सिंपल सा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अब यहाँ पर हमारे मोल्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम अपना जो बॉडी का मास है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमें कोई बॉडी है उसका कुछ एम मास है उसको हमें 1 डिग्री राइज करना है, उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो हमें कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी उस मतलब की जो क्वांटिटी होगी उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंपल एस से नोट करते हैं। S इज इक्वल टू एम इंटू सी आता है, M का मतलब हमारा मास और C का मतलब आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट। ये तो सिंपल हमारा यूनिटरी मेथड के लिए हो गया, जैसे 1 यूनिट मास के लिए तो हमें इतना चाहिए मतलब कि इतनी हीट चाहिए होगी, तो 10 यूनिट के लिए कितना चाहिए होगा तो सिंपल इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सिंपल उस तरीके से आता है। टॉपिक आता है वो आता है हमारा वाटर इक्विवेलेंट। देखो वाटर इक्विवेलेंट भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या कहते हैं मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी टू इंक्रीज द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। मीन्स देखो यहाँ पर हमारे पास एक वाटर है और हमारे पास एक कोई बॉडी है, देखो यहाँ पर क्या है एक इसका कुछ मास होगा हीट होगी इसमें और टेम्परेचर होगा, इसमें भी कुछ मास होगा इसकी कुछ हीट होगी और हमारा टेम्परेचर होगा। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 10 केजी इसका मास लिया और हमने इसको हीट क्या है 10 कैलोरी दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया, ये हम कंडीशन लेके चलते हैं। तो वाटर मतलब कि इक्विवेलेंट वाटर क्या होगा कि वहां पर हम ना उसको हीट भी 10 कैलोरी दें और इसका जो टेम्परेचर है वो भी हमारा 1 डिग्री राइज हो, तो वहां पर हमारा मास कितना निकल के आएगा वही मास को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। जैसे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए लगाएंगे W इज इक्वल टू एम सी, एम मतलब कि हमारा जो मास है वो और C मतलब कि जो हमारी वहां पर स्पेसिफिक हीट आई वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहां पर वाटर का वो मास निकालेंगे जो कि इन कंडीशन को रखने पे हमारा जो है मास सेम आया। मींस टेम्परेचर भी हमने सेम इंक्रीज किया, जो हमारी हीट है हीट दोनों बॉडी को और वाटर को वो भी सेम सेम दी, इसका मास अगर 10 केजी था तो इसका मास हमारा मान लो 15 केजी आता है, तो ये 15 केजी हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आता है। नेक्स्ट आता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है अगर उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करें तो उसको सिंपल बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करें तो वो आती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां से मेन पॉइंट क्या आता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ही आता है कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। मींस जो कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है वो कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम वाले से क्या होती है ज्यादा होती है, वो इसलिए होती है जैसे हमारा फॉर्मूला आता है DW इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये हमारा मतलब वर्क डन इज इक्वल टू
प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब हम कंडीशन लेते हैं, अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगी। तो मतलब डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा, पी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पर वर्क डन, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। मतलब वहाँ पर काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बस वो सिंपल एक्सपेंड करने में यूज हो रहा है, मीन्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रहा है। अगर हम वहां पर कंडीशन लेके कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, मींस पी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा, डी डब्ल्यू मींस वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, प्रेशर ही तो कांस्टेंट है, तो पी मान लो 5P या कुछ भी हमारा किसी की वैल्यू के इक्वल आएगा। तो यहां पर हमारा क्या है, कुछ काम भी हो रहा है, साथ साथ हमारा क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मीन्स एक्सपेंशन भी हो रहा है और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो यहां पर हमारा ज्यादा काम हो रहा है, इसलिए हमारी क्या है, सीपी की वैल्यू क्या होती है, सीवी से ज्यादा होती है। तो इस तरीके का हमारा मतलब इसका रीजन आता है। और बाकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये हमारा होता है, क्योंकि सीवी में हमारा वर्क डन जो है वो जीरो आता है, बस टेम्परेचर बढ़ता है, और सीपी में हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है, साथ साथ हमारा कुछ वर्क भी होता है। तो सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट आता है कैलोरी मीटर। देखो कैलोरी मीटर का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, मींस हीट कितनी हमने प्रोवाइड की, जैसे यहां पर 10 कैलोरी 10 कैलोरी, तो हीट कितनी प्रोवाइड की, उन सबसे डील करने की ब्रांच को हम बोलते हैं कैलोरी मीटर। और जो यहां पर पॉइंट होता है कि जो हीट गेन होता है वो हमारा हीट लॉस के इक्वल होता है, मींस जितनी बॉडी हीट गेन करेगी नहीं हमारी बॉडी क्या है, हीट को लॉस करेगी। अब यहां पर ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो हमारा सिस्टम है या हमारी जो बॉडी है और जो उसकी सराउंडिंग है, उन दोनों के बीच में मतलब कि जो हीट का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो बॉडी A1 है और हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है A2, मान लो इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका हमारा है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन दोनों बॉडी को हम अपना क्या है कनेक्ट कर दे, किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दे, तो जो हमारा टेम्परेचर है हाईर टेम्परेचर से की साइड से लोअर टेम्परेचर की साइड हमारा क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी से रिलेटेड आता है। और बाकी एक जो कैलोरी मीटर है जिस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है वो हमारा ये होता है कि जो हमारी हाइयर हीट वाली जो हाइयर टेम्परेचर होता है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ हमारा क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। कब तक, जब तक हमारा दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो, मतलब कि इसका भी 75 डिग्री हो जाए और इसका भी 75 डिग्री हमारा जब तक ना होगा, जब तक ये क्या है फ्लो करता रहेगा। तो ये सिंपल सा हमारा आता है कैलोरी मीटर। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है हमें पता है मैटर अपनी स्टेट को क्या है चेंज करता है, मींस अगर उसको हीट उससे हीट निकाले या उसको हीट दे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। अब यहां पर उसकी क्या है 3 स्टेट होती है मेनली, जैसे हमारी क्या होती है सॉलिड लिक्विड एंड हमारी क्या होती है गैस। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम सिंपली गैस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हमें वहां पर क्या है हीट मतलब प्रोवाइड करनी होगी, मतलब इनको हीट देनी होगी। और अगर हमें गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड मतलब उल्टा जाना है तो जो हमारी हीट है उसको हमें क्या है निकालना होगा। तो सिंपल सा हमारा मतलब आ जाता है, मतलब कि सॉलिड लिक्विड और गैस कैसे कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आते हैं, मतलब कि डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि या फिर नाम पूछ लेते हैं प्रोसेस का कि सॉलिड से अगर लिक्विड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वो होता है हमारा मेल्टिंग। लिक्विड से गैस चेंज करेंगे तो वो होता है हमारा सिंपली वेपराइजेशन। और अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो हमारा सॉलिडिफिकेशन, और अगर गैस से लिक्विड में जाएंगे तो वो लिक्विफिकेशन हमारा होगा, और डायरेक्ट अगर सॉलिड से गैस में जाएंगे उसको बोलते हैं अपना सब्लिमेशन। तो इस तरीके से हमारे मतलब कि हीट देनी होगी या निकालनी होगी वो, और हमारा किसको किस में चेंज करने का क्या नाम होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मींस हमारे पास वाटर है या बॉडी है, कोई भी हमारे पास फ्लूइड है, उसका कोई एक मेल्टिंग पॉइंट होगा और हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो प्रेशर से मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे कुछ मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस आते हैं जैसे पैराफिन वैक्स और सल्फर, उनके लिए क्या होगा अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है बढ़ेगा। ये एग्जामिनेशन में एग्जांपल पूछ लेते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है तो वो सब्सटेंसेस कौन से है, वो है हमारे पैराफिन वैक्स एंड सल्फर। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जहां पर प्रेशर कम करने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है बढ़ जाता है, जैसे कि जो आइस हो गया और हमारा बिस्मिथ हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसका इफेक्ट आता है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट हमारा अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर क्या है इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, दोनों मतलब प्रेशर बढ़ाने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट एक टर्म आती है लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट का मतलब होता है, देखो यहां से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए कभी मेरे को हीट देनी पड़ी, कभी मेरे को हीट निकालनी पड़ी, मींस नीचे से ऊपर जाने के लिए निकालनी पड़ती है, ऊपर से नीचे आने के लिए मेरे को देनी पड़ती है। तो मेरे को कितनी हीट मतलब कि चेंज करनी पड़ेगी, कितनी हीट मेरे को रिक्वायर होगी एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में जाने के लिए, तो वो अमाउंट ऑफ हीट, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं अपना लेटेंट हीट। जी सिंपल सा मतलब आता है जिसको डिनोट करते हैं L से, और L किसके इक्वल होती है, L मेरा L इज इक्वल टू Q/m के इक्वल हमारी होती है। Q मतलब हमारी हीट, m मतलब बॉडी का जो मास है वो।
इसको सोल्व करके हम अपने लेटेंट हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर वाटर बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो वहाँ पर कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे अपना थर्मल कैपेसिटी। ये हमारा सिंपल सा मतलब आता है, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से, और क्यू किसके कॉल आता है, क्यू आता है मेरा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा T, मेरा ये इसके इक्वल आता है। Q का मतलब हमारी हीट कितनी रिक्वायर हुई, M का मतलब बॉडी का मास, C का मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T का मतलब हमारा कितना टेम्परेचर वहाँ पर चेंज हो गया, और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस, ही हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम टू सर्फेसिस ऑफ यूनिट एरिया। मीन्स हमारे पास जैसे यहाँ पर ये रहा, ये एक मतलब कि बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जो हीट होगा मीन्स इस बॉडी से 100 से 50 डिग्री जाने में यहां पर कितनी स्पीड से हमारी क्या हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम सिंपल बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है स्टीफंस लॉ। स्टीफंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन्स जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है उसके अंदर से हमारी कितनी हीट एनर्जी जो है एमिटेड होगी वो जो उसका टेम्परेचर है उसके 4th पावर के हमारे क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी। ये आ जाता है हमारा स्टीफंस लॉ। सिंपल सा मीन्स जितनी भी हमारी ब्लैक बॉडी है ब्लैक बॉडी में से जो एनर्जी जो हीट एमिट होगी वो जो बॉडी है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके 4th पावर के हमारे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारा यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टीफंस कॉन्स्टेंट। ये हमारा सिंपल सा मतलब आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, मीन्स हमारा जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा वो डिपेंड करेगा जो बॉडी और जो उसकी सराउंडिंग है उनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी थी और मान लो ये हमारी सराउंडिंग थी तो उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा 50 डिग्री का आता है, तो 50 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा। अगर हमारा मतलब जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाए, मान लो ये 1000 डिग्री सेल्सियस था ये 150 डिग्री सेल्सियस था, तो हमारा जो रेट ऑफ लॉस होगा यहां पर और ज्यादा स्पीड से होगा। मीन्स जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा ही हमारा जो हीट है वो लॉस करना स्टार्ट करेगी। तो सिंपल सा मतलब आ जाता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट आते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मीन्स हीट एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती है तो वो किस किस ट्रांसफर से मतलब किस किस वे से जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मतलब आप अगर कोई मेटल रोड को लो, यहाँ पर हम मेटल रोड को लेते हैं, ये मेरी मेटल रोड है और यहाँ पर मैंने आग लगा रखी है, मतलब यहाँ पर कुछ मतलब जलने का है, बर्नर हमारा लगा हुआ है, तो मेटल रोड मतलब आग तो यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ से गर्म होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो अगर ये पूरी मेटल रोड कंडक्टर है पूरी, मतलब बीच में हमने कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है, तो ये गर्म यहाँ से होने के साथ 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 हमें क्या है यहाँ से भी गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का वो किस वजह से हो रहा है, वो हमारा कंडक्शन की वजह से हो रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच के उनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं। मीन्स जैसे ये मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल एक ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे हमारे इसमें पूरी आयरन रोड में, अब आग यहाँ पर लगी हुई है तो ये मॉलिक्यूल गर्म होगा, अब मॉलिक्यूल गर्म होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ऑक्सीलेट करेगा वो इस वाले से टकराएगा, फिर वो इस वाले से ऐसे ऐसे करके वो हमारा यहाँ से यहाँ तक हीट क्या ट्रांसफर कर देगा। ये होता है हमारा इस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। इसकी जो एप्लीकेशन आ जाती है वो आ जाती है हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, और जो कुकिंग यूटेंसिल्स होता है उसको हम वुडन हैंडल से मतलब हैंडल करते हैं। मीन्स अगर उसका भी मतलब कि मेटल का ही होगा, ये हमारा क्या है मेटल का ही होगा, तो वो भी गर्म हो जाएगा तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लास्ट में अ न्यू क्लिड इज़ वार्मर देन ओल्ड, मतलब कि जो हमारा नया कंबल होता है वो क्या होता है ज़्यादा गर्म होता है किससे, मतलब कि ओल्ड वाले से। ये भी हमारे क्या कंडक्शन की जो है मतलब कि एप्लीकेशन होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर तो देखो हमारा जो मॉलिक्यूल्स से उनका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ जो कन्वेक्शन वाला ट्रांसफर ऑफ हीट मेथड होता है उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअल में मूवमेंट करते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, और जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो उस जगह को गर्म कर देंगे, जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जगह को कवर करेंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर उसको ठंडा कर देंगे। तो इस तरह की जो ट्रांसफर होती है, मीन्स मॉलिक्यूल्स हीट को लेके जा रहे हैं, उस तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट को हम बोलते हैं अपना कन्वेक्शन। यहाँ की जो हमारी एप्लीकेशन आ जाती है ये हमारी
लैंड एंड सी ब्रीज, बाकी इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स, और जो ट्रेड विंड्स बनती हैं वो भी हमारा मतलब इसी प्रोसेस से बनती है, मतलब जो हवाएं हमारी चलती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, जो मतलब कि जहां पर हमारा सन हीट डाल रहा है तो वहां पर जो लैंड है वो भी गर्म होगी, उसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म होगी। अब जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है, वो जैसे जैसे ऊपर उठती है तो नीचे की जगह खाली हो गई, तो जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह ले लेती है, तो ऐसे ही हमारा मतलब पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। अब देखो जो कन्वेक्शन होता है वो दो तरीके के हो सकता है, एक तो होता है हमारा नेचुरल, नेचुरल का मतलब इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, मींस टेंपरेचर में और डेंसिटी में डिफरेंस आया तो वो अपने आप ही वहां पर मतलब क्या हवा और जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने लग गए, तो होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन। एक हम क्या फोर्स कन्वेक्शन भी करवा सकते हैं, जैसे इफ द हीटिंग मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय द एजेंसी लाइक मटेरियल लाइक पंप, मींस यहाँ पर क्या पॉइंट है, मीन्स हमने कुछ पंप लगाया हुआ है या फिर हमने कुछ वैक्यूम क्रिएट करके या फिर हमने कुछ डिवाइस की हेल्प से उनका जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो करा रखा है, तो उस टाइप के जो कन्वेक्शन को हम बोलते हैं अपना फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं। बाकी हमारा जो नेचुरल होता है, नेचुरल में जैसे आपने एग्जाम्पल सी और लैंड ब्रीज का सबसे बेस्ट ये आता है। लास्टली आता है हमारा रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, ना तो हमारे जो बीच के मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीलेट करते हैं, ना जो हमारे बीच के मॉलिक्यूल्स है मीन्स जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो डायरेक्ट जो हमारा सोर्स है और जो डायरेक्ट हमारी जिस बॉडी पर हीट जानी है वो डायरेक्ट वहां पर हीट आती है। फॉर एग्जांपल हमारे सन, सन में जैसे सन से लेके अर्थ के बीच में तो हमारा वैक्यूम है और मतलब बीच में एटमॉस्फेयर आता है अर्थ के थोड़ा सा ऊपर और फिर हम आते हैं, जो हमारी सन की जो लाइट होती है वो हमारे डायरेक्ट पड़ती है और हमें क्या हीट प्रोवाइड कर देती है, तो इस तरीके जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, जिसमें हमारे किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स का ना कोई मोशन होता है, ना कोई एक्चुअल मूवमेंट होता है, ना ऑक्सीलेशन होता है, और एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं होती, डायरेक्ट हीट क्या है बॉडी तक पहुंच जाती है, इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं अपना रेडिएशन। थ्योरी आ जाती है पीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अ बॉडी विच इज अ गुड एब्जॉर्बर और इज ऑल्सो अ गुड रेडिएटर, मीन्स कोई बॉडी अगर वो गुड एब्जॉर्बर है हीट की तो वो साथ साथ क्या गुड रेडिएटर भी होगी हीट की, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी ये बात आती है, एंड वाइस वर्सा, अगर वो रेडिएटर अच्छी है तो वो क्या एब्जॉर्बर भी अच्छी होगी। अगर नेक्स्ट ये टॉपिक आता है हमारा ब्लैक बॉडी, देखो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, अ ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड ऑन इट, मीन्स ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर मतलब कि हम कितनी भी हीट डालें वो क्या है हर टाइप की हीट हर टाइप की वेव को क्या है मतलब क्या है अपने जो इंसिडेंट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं अपना ब्लैक बॉडी, जिसका जो हमारा ग्राफ आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से वो आता है ट्रिपल पॉइंट, देखो ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू रखने पर जो वाटर है वो अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लाइक हमारा वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में भी होगा, मीन्स वहाँ पर आइस वाटर और जो वाटर वेपर्स हैं वो हमें तीनों के हैं देखने को मिलेंगे, तो ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर मतलब कि जहाँ पर फिक्स होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। उसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 273.16 केल्विन और जो प्रेशर होता है वो होता है 6.11 × 10⁻³ पास्कल। अगर ये टेम्परेचर और प्रेशर हम रखें तो हमारा जो वाटर है वो हमारा तीनों स्टेट में क्या एग्जिस्ट करता है, तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो इसी तरीके से हमारा पूरे चैप्टर का क्या है रिवीजन भी हो जाता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बाकी इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है वो और जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और ब्लैक बॉडी, ये हमारे मेनली तीन टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से आते हैं एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे हमारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपके अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, अभी भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड या फिजिक्स में से सिलेबस में है उसमें से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर हम चेकआउट कर लेंगे किस तरीके का डाउट है और उसको कैसे सोल्व करना है। बाकी जो रिवीजन सीरीज है उसके हमने मतलब तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो वो भी हमारी जल्दी आ जाएगी रिवीजन वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर और चीजें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपकी जो मतलब क्वेश्चन हैं और जो सैंपल पेपर्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक अच्छा सा भी कमेंट जरूर कर देना, मींस वीडियो से रिलेटेड या वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको पता है तो उनको कमेंट कर देना या फिर आप सिंपल से एक एमओजी भी मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।